ड्रामा के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि हन का बर्थडे आने वाला था, तो लिंग उसे बोलता है कि तुम्हें शिया से क्या गिफ्ट चाहिए, पर हन कहता है कि मुझे शिया से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर घर आकर हन ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, जैसे कि वो शिया को सुना रहा हो। हन बोलता है कि मुझे महंगे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। शिया इस चीज़ से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। हन सोचता है कि इसे क्या हो गया। इसके बाद हन शिया के रूम में जाकर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरी मेड हो, मैं तुम्हें सैलरी देता। शिया हन से कहती है कि कहीं इन पैसों के बदले में तुम मेरे से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चाहते हो, पर हन कहता है कि डोंट वरी, मैं बिना पैसों के भी नहीं कुछ करूंगा। तो शिया उसमें से कुछ पैसे रख के बाकी के पैसे हन को वापस करती है, और थैंक यू करने के लिए जब हन के लिए कुछ लेकर आती है तो हन वहां से चला गया होता है। अगले दिन क्लास बी में हन के बर्थडे के बारे में बात हो रही होती है और उन्हें पता होता है कि हन उनको बर्थडे पे नहीं बुलाएगा, तो उनके पास एक उम्मीद होती है कि शिया के कहने पर हन उन्हें बर्थडे पर बुला ले। पर शिया कहती है कि मैं तो खुद उसके बर्थडे पर नहीं जाने वाली। तभी हन क्लास बी में आकर सभी बच्चों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। शिया उसके बर्थडे पर आने से मना करती है, तो हन उसे कहता है तुम गिफ्ट देने की वजह से ही नहीं आ रही हो, मैंने तुम्हें कल पैसे दिए, उसी में से कुछ पैसे खर्च करके तुम मेरे लिए गिफ्ट ले आना। और फिर होना क्या था, ये सारी बात स्कूल में फैल जाती है कि हन शिया को हस्बैंड के जैसे पैसे देता है। और पहुंचते पहुंचते मिंगशा तक ये बात पहुंचती है कि हन शिया को अपने बर्थडे पर शादी के लिए प्रपोज करेगा। बोर्ड पर जो शिया ने मैसेज लिखा हुआ था, आज उसके वेलविशर ने उसका जवाब दे दिया। हन के बर्थडे वाले दिन शिया लिंग के साथ उसकी दादी माँ के घर जाकर हन को गिफ्ट देने के लिए उसके लिए शर्ट तैयार करती है। उधर हन बार बार लिंग को मैसेज करके शिया और लिंग को वहां पे आने के लिए बोलता है। शिया और लिंग को छोड़कर बाकी सारे पार्टी में आ गए होते तो हन उनकी वेट कर रहा होता है। मोशिन भी बहुत सज सवर के आई होती है और हन को गिफ्ट देती है, पर हन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पार्टी में सारे शिया के बारे में पूछ रहे होते। जब हन के लिए गिफ्ट तैयार हो जाता है तो शिया और लिंग दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। उधर मोशिन तो हन के पीछे पीछे घूमती रहती है। तभी मैनेजर हन को बोलते हैं कि केक काटने का टाइम हो गया, पर हन शिया और लिंग के बिना केक ही नहीं काटना चाहता था। तभी उन दोनों के आने पर मैनेजर कहते हैं कि हन तुम लोगों की वेट कर रहा था, पर हन इस चीज़ से डिनाई कर देता है। हन फिर इनवाइट करे हुए सभी लोगों का वेलकम करता है और वेलकम स्पीच देता है। मोशिन उसके पास ही खड़ी होती है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है, हर जगह पे जहाँ पे हन जाता है वहीं पे पहुँच जाती है। तभी उसकी मॉम आ करके उसको बर्थडे विश करती है। लिंग हन से पूछता है कि तुम शिया से नहीं पूछोगे कि वो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई है, तो हन कहता है कि मुझे शिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। शिया बोलती कि अगर नहीं तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो मत लेना। अभी मोशिन की चमची आकर के कहते कि क्यों ना हम सब ट्रूथ और डेयर खेलें। शिया का मन नहीं होता खेलने का, पर लिंग उसे खेलने के लिए बोलता है। हन शिया से गिफ्ट छीन लेता है और बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, ये बोल के वो वहां से चला जाता है। जब सभी ट्रूथ और डेयर खेलने जाते हैं तो शिया जाने लगती है ये बोल करके कि मेरा मन नहीं है, पर लिंग उसे रोक लेता और खेलने के लिए बोलता है। तभी मोशिन की चमची कहती है कि शिया डरपोक है इसीलिए नहीं खेल रही है। ये सुनकर के शिया उसको सभी खेलने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं। खेलते खेलते जब शिया की बारी आती है तो शिया ट्रुथ और डेयर में से डेयर चूज करती है, और उसका डेयर ये होता है कि शिया को उन दो लड़कों में से किसी एक लड़के को किस करना पड़ेगा। मोशिन लिंग को बोलती है कि शिया को मौका दो से किस करने के लिए। इससे लिंग को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, पर ये शिया की मर्जी होती है कि शिया ने किस को किस करना है। तभी मोशिन की चमची बोलती है कि लिंग को तो कोई भी किस कर लेगा, मजा तो तब है जब तुम हन को किस करो। और ये सुन के मोशिन वॉज लाइक क्या बोली जा रही है तू। जैसे ही शिया हार मान करके ड्रिंक करने लगती है तो हन उसे बोरिंग बोल करके वहां से उठने लगता है, तो शिया उसे पकड़ के फटाफट किस कर देती है और मोशिन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। पार्टी में आए हुए सभी लोग ये देख करके हैरान हो जाते हैं और हन की मोम तो उनकी वीडियो ही कैप्चर करने लग जाती है। मोशिन की तो शक्ल ही देखने वाली होती है। मोम तो यही बोल रही होती है कि शुक्र है मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिल गई। किस हो जाने के बाद हन अपने लिप्स को ही टच करता रहता है। मोशिन को तो बहुत ही जेलस हो रही होती है। तभी शिया बोलती है कि किसने बोला था कि मैं किस नहीं कर सकती, देखो मैंने अपना डेयर कंप्लीट कर लिया। हन की बारी आने पर हन ट्रुथ को लेता है तो शिया उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है। हन को बहुत गुस्सा आता है और वो उठ के वहां से चला जाता है। लिंग हन को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं होता है। कुछ हद तक लिंग हन को समझा भी देता है। इसी मौके का तो मोशिन इंतजार कर रही थी, वो शिया के पास जाती है। शिया तो पहले ही हन की नजरों में दोषी बन गई थी और मोशिन उसे जाके कहती है कि तुमने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछकर अच्छा नहीं करा। शिया हन से माफी मांगना चाहती थी तो वो मोशिन से पूछती है कि मैं क्या करूं। मोशिन उसे कहती है कि अगर तुम उसके पास जाके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना गाओगी तो शायद हन का मूड ठीक हो जाए।
हान का मुंह ठीक करने के बाद लिंग उसको दोबारा पार्टी में लेकर आता है तो हान देखता है कि शिया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना गा रही है पियानो पे बैठ के। पर से वो इतना बेसुरा गाती है कि किसी को उसका गाना पसंद नहीं आता। मोशिन ये सब देख करके बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो मोशिन चाहती थी। इतनी मुश्किल से हान का मुंह ठीक हुआ था कि उस गाने को सुन के हान का पारा हाई हो जाता है। तभी शिया उसके पास आती है कि शायद हान का मुंह ठीक हो गया हो, तो हान उसे पूछता है तुम ये गाना क्यों गा रही हो, और उसे इतनी जोर से पकड़ता है कि शिया को दर्द हो रहा होता है। तभी शिया उसे कहती है कि मुझे तो मोशिन ने गाना गाने के लिए बोला था। मोशिन इस बात को मानने से मना कर देती है। तभी मिंगा करके बोलते कि मोशिन ने ही बोला था, पर मिंग की बात पे कोई विश्वास नहीं करता। जैसे ही शिया मोशिन के पास जाने लगती है हान उसे पकड़ लेता है, जिससे कि शिया पूल में गिर जाती है। तभी लिंग भी पूल में कूद जाता है और शिया को बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है। मोम आकर के हान को बहुत डांटती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मोम हान से ज्यादा शिया को प्यार करती हो। इसके बाद हान चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि पार्टी खत्म हो गई है। तभी के वहाँ से चले जाने के बाद हान फिर पियानो पे म्यूजिक बजाने लग जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर ओवरसीज चली गई थी क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था और वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। हान कहता कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा आने तक का, पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मेरा वेट मत करना, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। हान की मॉम आ करके हान को इस हरकत के लिए बहुत डांटती है। हान के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद हान की मोम बहुत रोती है। सुबह होने पर वो दोनों एक दूसरे का रास्ता काटते और मोम की आवाज सुनने पर वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते। तभी शिया गिरने लगती तो हान उसे पकड़ लेता है। मोम के आने के बाद वो दोनों एम्बैरस फील करते और वहां से फटाफट से चले जाते। खाना खाते टाइम भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और ऐसा लग रहा था पता ही नहीं इन दोनों को क्या हो गया हो। तो मॉम शिया से कहती है कि बेटा तुम लोग क्या गेम खेल रहे हो, मुझे भी अपने साथ खिला लो। शिया तो मुंह ही नहीं ऊपर करती। हान बोलता है कि मेरा तो हो गया। हान के जाने के बाद शिया भी टेबल से उठ जाती है। स्कूल जाते टाइम शिया हान की वेट कर रही होती है तो मैनेजर से वो पूछती है कि हान क्यों नहीं आ रहा। मैनेजर उसे कहते हैं कि हान ने आज के दिन छुट्टी ली है। हान शिया को खिड़की से देख रहा होता है। उसके जाने के बाद हान किसी का गिफ्ट नहीं खोलता, वो बस शिया का गिफ्ट ढूंढ रहा होता है। जब उसे शिया का गिफ्ट मिल जाता है तो वो खोलकर देखता है शिया ने उसके लिए एक शर्ट तैयार करी होती है और वो उसे पहनकर देखता है। उस शर्ट की फिटिंग तो उसे बहुत अच्छी आती है, पर शर्ट के पीछे कुछ लिखा होता है, मतलब ये शर्ट मरे हुए लोगों के लिए होती है। हान फटाफट से उस शर्ट को निकालता और शिया को गालियां दे रहा होता है और ऊंची आवाज में शिया का नाम चिल्लाता है। उधर शिया को छींके आने लग जाती है तो शिया को लगता है कि शायद उसके फ्रेंड उसको याद कर रहे हो। पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि कल रात शिया ने हान को हर्ट करा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछकर, और इसी वजह से हान ने शिया को पूल में गिरा दिया। जब शिया स्कूल जाती तो सारे स्टूडेंट्स उससे दूर दूर भागते क्योंकि कोई भी शिया से बात नहीं करना चाहता। उन्हें ये लगता था कि अगर वो शिया से बात करेंगे तो हान उनकी जान ही ले लेगा। क्लासरूम में भी शिया से कोई बात करने को रेडी नहीं होता। शिया सोच में पड़ जाती है और अपने फेस पर हाथ लगाकर कहती है कि कहीं मेरे गालों पे तो नहीं कुछ लगा हुआ, और जैसे ही बैठती है तो चिल्ला उठती है क्योंकि उसकी सीट पर किसी ने कील रख दिए थे। इतना ही नहीं, उसकी बेंच पर भी गम लगा दिया था ताकि वो अपने हाथ ना उठा सके। तभी लिंक का फोन आ जाता है, वो फोन नहीं उठा पाती। वो बड़ी मुश्किल से अपने फेस के साथ फोन को पिक करती है। लिंग ये बात सुन के उसके लिए परेशान हो रहा होता है तो शिया हंस के कहती है इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जहाँ पर मैं पहले रहती थी वहाँ पर तो इससे भी बुरा होता था, और मेरे पास तुम जैसे अच्छे लोग भी तो हैं जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं।